जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस डी यादव बुक का औसत कर रहे थे, जिसमें हमने दो पार्ट कंप्लीट किए थे और क्वेश्चन किए थे 30। आइए चलते हैं आज 30वें क्वेश्चन से आगे। जो आपका 31वां क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपका कि 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, जबकि उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत एक बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु कितनी है। देख लीजिए क्या के 36 छात्र थे, 36 कितने थे छात्र। अब देख लीजिए इनके पास कितना, मैं मान लीजिए अगर योग निकालूं, योग तो योग बराबर क्या था मेरा, तो आपको तो पता था कि योग बराबर क्या होता है, क्या संख्या पदों की संख्या, मान्यो में संख्या गुणा औसत, संख्या गुणा औसत बराबर क्या था आपका योग था। तो संख्या कितनी 36 और औसत कितना इनका गुणा 14, तो अब इनका मैं योग करूं 14 छंग 84 के का 4 हासिल लगे 8, 14 या 42 और 8 कितना हो गया 50, ये हो गया। अब देखो क्या हुआ, एक शिक्षक और आएगा, कितना आएगा एक शिक्षक और आएगा, ये बात आप ध्यान से देखना। तो 36 थे पहले, अब कितने हो गए 37 हो गए, और औसत एक शिक्षक के आ जाने से, और औसत भी क्या हुआ एक बढ़ गया, औसत भी क्या हुआ एक बढ़ गया, तो पहले 14 था तो अब कितना हो गया 15, तो अब ये इनका योग कितना हो गया। यहां से देखते हैं हम, 15 से 105 के का 5 हासिल लगे 10, 15 या 45, 45 और 10 कितना हो गया 55, तो कितना हो गया 55। देख लीजिए यहाँ बढ़ा कौन था, शिक्षक बढ़ा था, कौन बढ़ा था शिक्षक, और शिक्षक के बढ़ने से देख लीजिए जो ये योग बढ़ा है कितना बढ़ गया, ये यहाँ से यहाँ कितना तो 51, यहाँ से आपका शिक्षक की उम्र बूझी तो कितना हो गया 51 हो गया, शिक्षक की उम्र कितनी हो गई 51 वर्ष हो गई। अब एक बात और सुनिए आप, देख लीजिए जो छोटा तरीका है क्या है अपनी शॉर्ट ट्रिक, देख लीजिए जो, देख लीजिए 36 बच्चे थे, 36 कितने थे 36 बच्चे, और यहां से मैं इन्हें रिलेट कर रहा हूँ रुपयों से, 14 जो इनकी औसत आयु है ना, मैं उसे रुपए मान रहा हूं, तो मैंने माना कि इनके पास 14-14 रुपए थे। अब देख लीजिए एक शिक्षक आया, जिससे क्या हुआ औसत एक बढ़ गया, औसत एक बढ़ गया, तो मतलब नया औसत कितना हो गया 15, ये बात आपको ध्यान रखनी, पहले 14 था औसत, अब कितना हो गया 15, तो देख लीजिए शिक्षक ने 15 रुपए तो ये अपने पास रखे ही होंगे, प्लस ये कितने बच्चे थे, ये 36 लड़के थे, इन 36 लड़कों का क्या करा एक एक और बढ़ा दिया, कितना एक एक और बढ़ा दिया, तो 36 लड़कों को एक एक रुपया और दे दिया, तो कितने रुपए दे दिए ना 36 के 36 को, तो 36 रुपए दे दिए, तो 15 इन्होंने अपने पास रखे, 36 रुपए बांट दिए, दोनों को जोड़ दीजिए, घर से लाए कितने थे 15 36 51, यही हमारे शिक्षक की आयु आंसर, यही हमारे शिक्षक की आयु आंसर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है 32वें नंबर का, करने की कोशिश कीजिए, जो अगला सवाल है 32 वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 की ग्रह है, एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है, तो नए पार्सल का वजन ज्ञात कीजिए। देख लीजिए पार्सल कितने थे हमारे पास, 10 पार्सल थे, गुणा इनका जो औसत था 10 का कितना था 1.7 केजी, मैं इसे अगर ग्राम में चेंज करूं तो कितना हो जाएगा 1700 ग्राम, तो मैं यहां 1700 ग्राम मान रहा हूं, बराबर इनका जो योग आ गया कितना आ गया 17000 ग्राम। अब देख लीजिए एक पार्सल और आया, तो पार्सल कितने हो गए 11 गुणा औसत वजन कितना 60 कम हो गया 60 ग्राम, अगर मैं यहां से 1700 में से 60 ग्राम घटा दूं तो कितना बचेगा आपके पास 1640 बचेगा, तो ये कितना रह गया मेरा 1640 रह गया, इसका भी गुणा कीजिए 0 का 0 और 11 चौक 44 के का 4 हासिल लगे 4, 11 छक 66, 66 और 4 कितना हुआ 70 के का 0 हासिल लगे 7, 11 7 कितना हो गया 18, तो देख लीजिए यहां से बढ़ा कितना एक पार्सल, कितना एक पार्सल, और यहां से पार्सल का वजन कितना ग्राम बढ़ा, तो 0 में से 0 गए तो 0 ही बचा, 4 में से 0 गए तो 4 बचा, 0 में से 0 गए 0 बचा, 8 में से 7 गए 1 बचा, और जी इतने ग्राम बचा, कितना इतने ग्राम, मगर ग्राम में आंसर नहीं है किलो में है, तो किलो बनाने के लिए इसे 1000 से भाग कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देख लीजिए पॉइंट कहाँ लगाएंगे हम, 1.04 kg देखते हैं ये किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 32वें सवाल का। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए, जो आपका 33वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है, इस तरह उसके उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है, बताइए कि
बारहवीं पारी के बाद उसका औसतन स्कोर कितना रहा होगा? तो देख लीजिए क्या है कि बारहवीं पारी में उसने जो रन बनाए हैं कितने बनाए हैं, 120 रन बनाए हैं। तो 12 से पहले कितनी पारी खेली उसने, 11, और हमें नहीं पता कि 11 पारियों का औसत क्या था, मगर उसने क्या कहा कि औसत की 5 की वृद्धि कर दी, तो 11 जनों पर भी 5-5 बड़के होंगे। तो इसने ये 55 रुपए तो बांट दिए इन 11 जनों में। घर से लाया कितना था, 120, तो उसके पास कितने बचे, 55, यहां से घटा दीजिए, तो जब मैं 55 घटाऊंगा तो कितने बचे, 65। यही आपका क्या होगा, नया औसत होगा। यही क्या होगा, आपका नया औसत होगा, क्योंकि वो औसत तो रखेगा ना अपने पास भी। तो नया औसत कितना आ गया, 65 आ गया। सवाल में कितना, जी हाँ ऑप्शन हैगा सवाल में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो 34वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, 34वां सवाल करने की कोशिश कीजिए। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, दो अन्य व्यक्ति शामिल कर लिए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। जी नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, तो नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु बताइए। देख लीजिए 15 का जो औसत था वो कितना था, यहां से 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष थी, कितनी थी 32, तो इससे गुणा लगाई मैंने, 15 × 30 के अगर 0 हासिल लगे 3, 15 × 45 3 कितना हो गया 48, 480। यहां से आप इसे रुपए माने करो, आयु को सबको मैं रुपए मानता हूं, तो आप भी रुपए माने करो, ठीक है। फिर आगे दे रखा कि दो व्यक्ति और शामिल हो गए, तो 15 थे अब कितने हो गए 17, गुणा औसत कितना बढ़ गया यहां पे, तो शामिल हो गए जिससे औसत 3 बढ़ गया, पहला 32 था अब कितना हो गया 35 हो गया, तो इसकी गुणा कर दीजिए 17 × 85 के अगर 5 हासिल लगे 8, 17 × 51 51 8 कितना हो गया 59 हो गया, कितना हो गया 59। तो देख लीजिए यहां से बढ़े कितने, ये दो बंदों के बढ़ने से कितने रुपए बढ़ गए, 5 0 5 ही बचा, 9 में से 8 गए 1 बचा, यहां से कितना बचा 1। देख लीजिए दो जनों के हिस्से में कितने रुपए आ गए, ये रुपए आ गए आपके 115 रुपए आ गए। मगर उसने क्या कही है कि छोटे और बड़ा जो व्यक्ति है, छोटे और बड़े व्यक्ति, इनमें जो अंतर है 7 वर्ष का, अगर यो एक्स है तो यो कितना हिस्सा है, 7 वर्ष ज्यादा बड़ा है, तो इनका योग ही तो दे रखा है 115, बस इनका योग कर दीजिए, तो कितना हो गया है एक्स ये कितना हो गया 2x + 7 बराबर कितना हो गया 115। अब 2x बराबर कितना हो गया है, 7 इधर से घट गया जाएगा, तो कितना बच गया 108, और x का मान मैं निकालूं तो कितना हो गया, यहां से 54 हो गया, कितना हो गया 54। उसने बुझी छोटे वाले की, छोटा क्या माना था हमने x का मान तो हमारे पास आया कितना 54, यही आपका आंसर है 54, यही आपका आंसर है 54। देखते किस ऑप्शन में, जी हाँ 54, जी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 35वें नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जो 35वें नंबर का सवाल है करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 35वें नंबर का सवाल है कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, अगर दो व्यक्ति और जोड़ दिए जाए तो 3 वर्ष बढ़ जाती है, नहीं बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, वहां पर 7 वर्ष का अंतर था, यहां पर 9 वर्ष का अंतर है, इसे आप खुद करोगे। 36वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि 14 बच्चों का औसत वजन 22 की ग्रह है, यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर दिया जाए तो वजन 23 की ग्रह हो जाता है, तो अध्यापक का वजन बताइए। देख लीजिए क्या थे कि 14 स्टूडेंट थे, इनका जो औसत वजन था कितना था 22 केजी, तो इनके पास टोटल कितना हो गया 14 × 28 के 8 हासिल लगे 2, 14 × 28 और 2 कितना हो गया 30, बाद में एक अध्यापक और आ गया तो 15 हो गया, इनका औसत वजन कितना हो गया यहाँ से 23 हो गया, तो 15 × 45 के 5 हासिल लगे 4, 15 × 30 = 4 कितना हो गया 34, यहां से बढ़ा कौन आपका अध्यापक, कौन बढ़ा अध्यापक बढ़ा, और यहाँ से मतलब ये कितना बढ़ गया ये आप देख लीजिए, 15 में से 8 गए तो 7 बचे, यहाँ 3 रह गए तो 37, तो अध्यापक की आयु जो है आपकी कितनी आ गई 37 आ गई। देखते किस ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो आपका 37वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 37वां सवाल है आपका कि एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है, यदि छठा लड़का उस समूह में शामिल हो जाए तो समूह के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 सेमी बढ़ जाती है, तो छठे लड़के की ऊंचाई बतानी। देख लीजिए 5 लड़के थे आपके पास और इनकी औसतन ऊंचाई कितनी थी 175 थी, तो टोटल इनके पास कितना हो गया 5 × 25 25 के का कितना हो गया 5 हासिल लगा 2, 5 × 35 और 37 के का 7 हासिल लगे 3 × 5 = 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। अब एक लड़का बढ़ गया तो लड़का कितना हो गया 6 हो गया, और यहां से एक बढ़ गया तो ये कितना हो गया 176 हो गया। अब 6 × 36 के का 6 हासिल लगे 3 × 6 = 42 3 × 45 के का 5 हासिल लगे 4 × 6 = 6 कितना हो गया 10 हो गया। तो देख लीजिए यहां से बढ़ा कौन एक लड़का, कौन बढ़ा लड़का, और लड़के के बढ़ने से रुपए या औसत का योग कितना बढ़ गया, तो 6 में से 5 गए तो 1 बचा, यहां आपका रह गया कितना 15 हो गया, 15 में से 7 गए तो कितना बचा 8 बचा, यह 9 रह गया 9 में से 8 गए तो 1 बचा, कितना आ गया 181 सेंटीमीटर। देखते किस ऑप्शन में है,
जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 181 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए, इन सवालों को करने का एक और तरीका होता है। जैसे मान लीजिए शुरू में कितने लड़के थे, 5 थे, या आप लड़के बना लीजिए 3, 4, 5, सबके पास कितने कितने रुपए थे, 175 इसके पास, 175 इसके पास, 175 इसके पास, 175 इसके पास और 175 इसके पास। अब एक छठा लड़का आ गया, ये आ गया, इसने क्या काम किया, सभी को 176 कर दिया। तो देख लीजिए 176 अपने पास तो रखे ही होंगे, प्लस इसे एक दिया, इसे एक दिया, इसे एक दिया, इसे एक दिया और इसे भी एक दिया, तो कितने दे दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ये दे दिए, 176 अपने पास रख लिए। तो घर से कितने लाया था जोड़ दीजिए, कितना, 181। यही नए लड़के का ऊंचाई है, कितना, 181 सेंटीमीटर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका, सवाल है 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि उनमें नए 2 बालक आ जाएं और दोनों, तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है, तो दोनों नए बालकों की औसत आयु बताइए। देख लीजिए शुरू में कितने 30 बालक थे और 12 वर्ष इनकी क्या थी, आयु थी औसत। तो 30 × 12 इनका योग कितना हो गया, 12 × 36 = 360। अब क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि 1/4 वर्ष, तो 1/4 वर्ष का मतलब कितना, 3 माह बढ़ जाती है, कितनी, 3 माह बढ़ जाती है, ठीक। तो अब देख लीजिए 2 लड़के आए हैं, लड़के कितने आए हैं, 2, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 32 × औसत कितना बढ़ गया, 3 माह, तो क्या हो गया, 12 वर्ष और 3 माह हो गया, 12 वर्ष 3 माह औसत हो गया। अब इसका योग निकालूं मैं, तो पहले 21 से गुणा करो, 12 × 24 के का 4 हासिल लगे 2, 12 × 36 = 36, 2 कितना हो गया, 38 × 384, और माह भी तो बना लो, तो 384 वर्ष आ गए, प्लस अब ये कितने माह है, 3 माह, तो 3 × 32 कितने होते हैं, 96 माह, कितने, 96 माह। अब इन 96 माह का अगर मैं साल बनाऊं तो 12 से काट दूंगा, 12 × 96, देख लीजिए यहां से कितना आया, 384, तो ये थे मेरे वर्ष, प्लस 8 वर्ष ही आएंगे, टोटल वर्ष कितने हो गए यहां से, 8 × 4 = 12 हासिल लगा 1392 हो गए। तो देख लीजिए यहां से बच्चे कितने बढ़े थे, 2 बच्चे, कितने बढ़े थे, 2 बच्चे, कहां को लिखूं, मैं यहां लिख रहा हूं, कितने, 2 बच्चे बढ़े, कितने थे, 2 बच्चे। और देख लीजिए यहाँ से साल कितने बढ़ गए, 360 थे, ये 392 हो गए, कितने साल बढ़ गए यहाँ से, 32 साल बढ़ गए। तो औसत बुझा, तो औसत बराबर क्या होता, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग 32 / 2 कितने, 2 से काट दिया कितनी बार, 16 बार। आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 16 आ गया, आंसर कितना आ गया, 16 आ गया। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। देख लीजिए पहले तो क्या बात है कि 5 वर्ष पहले कितनी थी, 9 वर्ष थी इनकी औसत आयु, ठीक है। तो अगर आपकी बात करूं मैं, चलो कर लीजिए पहले, 5 वर्ष पहले इनकी आयु जो थी कितनी थी, ये प्रेजेंट टाइम है, 5 वर्ष पहले कितनी थी, क्या बच्चे थे, 4 बच्चे, कितने, हाँ 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, 4 × 9 = यहां से कितना हो गया, 9, 4 × 9 = 36 हो गया, यहां से कितना हो गया, 36। अब देख लीजिए क्या हुआ, जब ये प्रेजेंट टाइम पर आएंगे यहाँ को, तो हर किसी के 5-5 बढ़ेगा, हर किसी का 5-5 साल बढ़ेगा, 4 लड़के हैं तो कितनी बढ़ जाएगी, 5 × 20। यहाँ आने पर इन 4 लड़कों की आयु कितनी हो गई, ये जोड़ दीजिए कितना हो गया, 56 हो गया, कितना, 56। तो प्रेजेंट टाइम में इनकी आयु का योग कितना हो गया, 56 हो गया, कितने की, 4 की, 4 की आयु का योग कितना हो गया, 56 हो गया। उसने फिर क्या बोला है, आगे चल के बोला है, उसमें एक नया लड़का शामिल होने पर उन 5ों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। देख लीजिए अब कितने हो गए, 5 हो गए और वर्तमान औसत आयु कितनी हो गई इनकी, 15 वर्ष, तो 15 × 5 कितने हो गए, 75 हो गए। तो नए लड़के की आयु बुझी है, तो नया देख लीजिए, एक लड़का ही तो आया था, नया लड़का बराबर कितना हो गया, नया लड़का, तो नया लड़का यहां से ये घटा दीजिए, तो 75 होता, अब 15 में से 6 घटाया तो कितना बचा, 9 बचा, यहां से कितना रह गया, 6 में से 5 गए तो कितना बचा, 1 बचा, तो कितना आ गया आंसर, 19 आ गया। देखते हैं किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो 40वें नंबर का सवाल जो वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 40वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 40वें नंबर का, एक बल्लेबाज की 19वीं पारी में 78 रन बनाए, किस 19वीं पारी में एक बल्लेबाज ने कितने रन बना दिए, 78 रन बनाता है, और इस प्रकार वह अपने औसत में और उसका औसत 2 रन कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत बताइए। देख लीजिए क्या हो गया, 2 रन कम हो गया, 19 से पहले कितनी पारी खेली थी, 18,
18 के 18 से कितने कितने रुपए कम कर दिए इन्हें, माइनस 2 कर दिया, तो टोटल कितना कर दिया, माइनस के 36 कम कर दिया। कितना कम कर दिया, माइनस के 36 कम कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इसे 78 तो इसने बना लिए, मगर इसे जरूरत कितने की है, अभी 36 की और है। औसत के लिए उनके साथ बराबर खड़ा होने में इसे कितने की जरूरत हो रहा है, 36 की। तो नया औसत क्या है, ये 36 आप इसमें को ऐड कर दीजिए। देख लीजिए जब भी ये वाली वैल्यू अगर माइनस किया है तो टोटल रनों में ये जोड़ना होता है, और प्लस किया है तो रनों में से ये घटाना होता है। ठीक है, जोड़ दीजिए 8 6 14 1 4 हासिल लगा 1 7 3 10 11 तो कितना आ गया, 114 आ गया नया औसत। देखते कौन से ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो 41वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 41वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार वह अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है, तो 15वीं पारी के बाद बल्लेबाज का औसत कितना। बिल्कुल सेम टू सेम है, फिर भी मैं करा रहा हूँ कि 15वीं पारी में कितने बना रहा है वह रन, 58 बना रहा है, 58 ही तो जी, और 3 की वृद्धि कर ली, तो 15 से पहले कितना खेला वो 14 है, 14 पे क्या कर दिया, प्लस 3 कर दिया। ठीक, तो 14 है 42, किसका, प्लस का। मैंने बताया अगर ये प्लस का है तो इनमें से घटाना होता है, माइनस का है तो इनमें जोड़ना, तो बस घटा दीजिए कितना 42। यहाँ से मैंने 42 घटाया, 8 में से 2 गए तो कितना बचा, 6 बचा, 5 में से 4 गए तो कितना बचा, 1 बचा, तो कितना आ गया, यहाँ से आंसर 16 आ गया। देखते किस ऑप्शन में है, 16। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 42वें नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 42वें नंबर का सवाल है कि एक स्कूल में 34 छात्रों का औसत भार 42 की ग्रह है, यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो टोटल भार मतलब औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है, अध्यापक का भार बताइए। देख लीजिए 34 छात्र थे और उनका जो औसत भार था कितना था, 42 kg, तो टोटल कितना हो गया, 34 42 की गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 34 दूनी कितना हो गया, 78, 78 के का 8 हासिल लगे 7, और 34 चौका कितना होगा, 156, 156 और 7 कितना होता है, 156 और 7 163 होता है, कितना 156 और 7 163 शायद यही होगा, 156 60 163, चलो गुणा कर लीजिए, 34 42, 2 4 8 और 3 2 6 और 4 4 16, 16 8 6 22 के का 2 दो दो तीय छः, छः और 4 4 16, 16 6 22 के का 2 हासिल लगे 2, 4 3 12 और 2 कितना हो गया, 14, 4 2 8 ठीक है, और 4 2 3 6 और 4 4 16, 16 6 22 के का 2 हासिल लगे 2, 3 4 12 और 2 14, 14 28, यहाँ से मैंने कैसा करा, 34 2 78 के का 8 हासिल लगे 7, 34 34 चौके, अरे मैंने गलती कर ली, 34 दूनी 68 होता है, तो ये कितना हो गया, यहाँ से 1428 हो गया। अब 1428 हो गया, वो क्या कह रहा है कि अध्यापक और आई गया, तो अब कितने हो गए बंदे, 35 हो गए, और जो इनका औसत हो गया 42.4 हो गया, 42.4, इसका यहाँ से गुणा कीजिए 42.4 के साथ। ठीक है, तो 35 चौक कितने होते हैं, 140 के का 0 हासिल लगे 14, 35 दूनी 70, 70 और 14 कितना हो गया, 84 के का 4 हासिल लगे 8, और 35 चौक का 140, 140 और 8 कितना हो गया, 148 हो गया, कितना हो गया, 148 हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये पॉइंट लग रहा है एक के बाद, तो ये 0 हटाई दीजिए। यहाँ से देख लीजिए अध्यापक बढ़ा था, तो अध्यापक का भार बढ़ने से, अध्यापक के बढ़ने से कितना भार बढ़ गया, 14 में से 8 गए तो कितना बचा, 6, 7 रह गया, 7 में से 2 गए कितना बच गया, 5 और 14 तो आई, तो कितना है अध्यापक का भार यहाँ से, 56 की ग्रह। देखते हैं किस ऑप्शन में है 56 की ग्रह। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 43वें नंबर का सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो 43 नंबर का सवाल है, 43वें नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 7 है, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए। देख लीजिए क्या है कि 10 पारियों का औसत कितना है, 60, 10 पारियों का औसत कितना है, 60 है, तो यहाँ से कितने रन बना रखे उसने, 600 रन। कह रहा है 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए जिससे उसका औसत कितना हो जाए, 62 औसत करना। तो देख लीजिए 11 में 62 करना, तो कितने गुणा 11 2 22 के का 2 हासिल लगे 2 11 6 66 और 2 कितना हो गया, 68, इतना बनाना। तो कितने रन बनाए वो, तो कितने रन बनाने पड़ेंगे उसे, यहाँ से 82 रन बनाने पड़ेंगे, कितने 82। देखते हैं किस ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए ये टाइप भी आपका यहीं पर समाप्त होता है, और अगला टाइप भी आज ही हम करेंगे, क्योंकि उसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन ही है बस हमारे। तो करते हैं अगला टाइप का जो सवाल है हमारे का, सवाल है जब समूह से कोई व्यक्ति निकाला जाए। 44वें नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है।
निकाली गई संख्या देख लीजिए, पहले 5 थी और इनका औसत कितना था 27 था, तो टोटल रुपए कितने हो गए, 7 × 5 = 35 गए, 5 हासिल लगे 3, 5 × 2 = 10, 3 × 13 = 135 हो गया। और बाद में जब निकाली गई संख्या 1 निकल गई तो अब औसत कितना हो गया, घट गया 25 हो गया, कितना हो गया 2 कम हो गया, तो 25 चौका कितना हो गया 100। तो पूछ रहा निकाली गई संख्या, तो निकाली गई संख्या कितनी थी, यहाँ से 35 थी, यही आपका आंसर हो गया। निकाली गई संख्या कितनी, यहाँ से 35, यही आपका आंसर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो 45वें नंबर का सवाल है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि 45 और 55 हटा दिया जाए तो औसत कितना होगा। ठीक है, देख लीजिए 50 संख्याएं थी और उनका औसत कितना था, यहाँ से 38 था, तो 50 का 38 से गुणा करा मैंने, 0 का 0 ऐसी, और 5 48 के का 0 हासिल लगे 4, 5 या 15, 15 4 कितना हो गया 19। अब देख लीजिए कितनी कितनी संख्या हट गई, एक तो 45 चली गई घर और एक कितनी चली गई 55 चली गई, तो टोटल कितना कम हो गया, यहाँ से 100 हो गया, और संख्याएं कितनी चली गई 1, 2, तो यहाँ से क्या कर दीजिए आप, 2 संख्याएं माइनस, तो संख्याएं कितनी रह गई 48, और योग में से क्या कर दीजिए आप 100 खत्म कर दीजिए, बचा कितना 18। अब यहाँ से औसत निकालना, औसत मैंने माना x, x ये गुणा में तो इधर जाकर बटे में जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा 1800/48 हो जाएगा, 12 से काट दीजिए, 12 से काटा मैंने, 12 चौक 48, 12 से काटा 12 × 15 = 150 बार, 4 से काट दिए इसे, 4 × 3 = 12, 3 बचा हो गया 30, 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20 कितना आ गया 37.5 औसत आ गया। देखते किस ऑप्शन में 37.5, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो 46वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 46 नंबर का सवाल जो है आपका, सवाल है आपका 5 संख्याओं का औसत 140 है, उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष का औसत 130 रह जाता है, तो हटाई गई संख्या बताइए। देख लीजिए 5 का औसत कितना था 140 था, 140, तो 14 × 5 कितना होता है 70, 700 थे। अब एक संख्या हट गई तो संख्या कितनी रह गई 4, और औसत कितना हो गया यहाँ से 130 हो गया, तो 13 × 4 कितने होते 52। अब देख लीजिए हटाई गई संख्या क्या थी, बस घटा दीजिए यहाँ से, ये घटा दीजिए तो कितना बचा 10 में से, वो सॉरी 0 में 0 गया 0 बचा, 10 में से 2 गए तो 8 बचा, और यहाँ से 6 में से 5 गए 1, तो हटाई गई संख्या कितनी थी 180। देखते हैं किस ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 47वें नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 47वें नंबर का सवाल आपका सवाल है कि 14 छात्रों तथा उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में एक वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु ज्ञात कीजिए। देख लीजिए 14 स्टूडेंट है और एक शिक्षिका, टोटल कितने हो गए वो 15 हो गए, और 15 का जो इनका औसत है तो कितना है 15 ही वर्ष है, 15 का औसत 15 है। ठीक है, तो यहाँ से गुणा कीजिए 15 × 5 = 75 के का 5 हासिल लगे 7, 15 × 15 = 7 कितना हो गया 22, 225। फिर जब शिक्षिका चली गई तो अब 14 रह गए और एक की कमी आ गई, तो अब फिर 14 रह गए, तो 14 × 14 हम कितने होते 196। यहाँ से शिक्षिका ही तो गई, तो शिक्षिका की आयु कितनी 5 में से 15 में से 6 गए, तो कितना बचा 9 बचा, यहाँ पे कितना रह गया 1, यहाँ से यहाँ कुल दहाई लिए हो गया 11, 11 में से 9 गए तो कितना बचा 2, तो कितना आया यहाँ से जो शिक्षिका की आयु थी 29 वर्ष थी। देखते हैं किस ऑप्शन में 29 वर्ष, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 48वें नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 24 लड़के तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षक को हटा दिया जाए तो नए औसत में एक की कमी हो जाती है, तो शिक्षक की आयु बताइए। 24 लड़के थे, एक शिक्षक, टोटल कितने हो गए 25 हो गए, और इनकी औसत आयु जो है कितनी है 15 वर्ष है, कितनी 15, तो 25 × 5 = 125 के का 5 हासिल लगे 12, 25 × 25 = 12 कितने हो गया 37, 15 × 75 के 5 हासिल लगे 7 × 15 = 30 बिल्कुल ठीक। अब देख लीजिए शिक्षक हट गया तो बच्चे कितने रह गए 24 रह गए, और इनकी औसत आयु कितनी होगी 14 होगी, यहाँ से गुणा कीजिए 14 × 56 के का 6 हासिल लगे 5, 14 × 2 = 28, और 28 × 5 कितने होते 33 होते, तो शिक्षक हटा, शिक्षक के हटने से देख लीजिए कितना कम हो गया 15 में से 6 गए तो कितना बचा यहाँ से 9 बचा, यहाँ कितना रह गया आपका 6, और 6 में से 3 गए तो कितना बचा 3 बचा, तो शिक्षक कितने वर्ष का था यहाँ से 39 वर्ष का था, शिक्षक कितने का था 39 का, देखते कौन से ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 49वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जो हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो 49वां सवाल है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, हटाई गई संख्या बताइए। देख लीजिए 6 का औसत कितना था यहाँ से 20 था, तो 20 × 6 कितना हो गया 120 हो गया टोटल, एक संख्या हट गई तो कितनी हो गई 5 हो गई, और 5 का औसत कितना हो गया 15 हो गया, तो 15 × 5 कितना होता है यहाँ से 75, तो हटाई गई संख्या 25 और 20 कितना हो गया यहाँ से 45, इनका अंतर कितना हो गया 45, तो हटाई गई संख्या कौन सी थी 45, देखते कौन सा ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 45। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।